कोमल, हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, हर छात्र का, होनहार छात्र का यही दर्द होता है कि मेरे शहर में, मेरे गांव के बगल में एक बेहतर कॉलेज न होना, खास करके लड़कियों को, और फिर सफ़र करके डेहरी, सासाराम जैसे शहर में जाना कितना टफ होता है। बहुत टफ होता है सर, एक घंटा, सिर्फ एक घंटे के काम के लिए रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा, एक घंटा हम लोग का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। यहाँ से 8 बजे आओ और शाम को हम लोग 5 या 6 बजे घर पे वापस आते थे, तो पढ़ाई भी वेस्ट होता था, टाइम भी वेस्ट होता था। पढ़ाई और टाइम दोनों वेस्ट होता है। फिर इसके बाद जो सफरिंग होता है, घर जब आप लौट के आते हैं, लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई छोड़ ही देते तो अच्छा रहता, लेकिन बेहतर फ्यूचर की तलाश रहती है तो संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, अगर हम लोग को कुछ भी चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस भी करना ही पड़ेगा। अभी आपने क्या रणनीति बनाया है, अभी आप इंटर की हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि अभी जो जिला में आपने नाम रोशन किया है, किस कौन सा परीक्षा आपने फेस किया और उसमें क्या रैंक आपके आया? मैंने इंटरमीडिएट का दिया था और उसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 रैंक पे है और स्टेट टॉपर्स में भी टॉप 10 में है मेरा रैंक। स्टेट में आपने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। प्राउड फीलिंग होता है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको प्राउड फील हो रहा है। आपकी दोस्त जो सहेलियां थी, उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया? सब ने किया, सब बहुत खुश है मेरे से, सारे बहुत खुश। आगे का क्या रणनीति आप प्लान कर रहे हैं? आगे मेरा सीए का प्लान है, बीकॉम प्लस सीए, मैं साथ साथ चलूंगा। उसके लिए भी आप एक रणनीति बनाई है कि जब सीए के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ किस तरह का बेहतर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको? अभी तो सारे में जितने भी रिलेटिव से कांटेक्ट कर रहे, बोल रहे जितना भी सपोर्ट चाहिए रहेगा देंगे, तो सब सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा सीए भी। ये तो शिक्षा की बात हो गई कोमल, एक लड़की का होना और फिर उसको अपने बेहतर फ्यूचर सेलेक्ट करना कितना आपको लगता है कि इस युग में अभी टफ है या इसको आसानी से किया जा सकता है? टफ तो है, खास करके रूरल एरिया से जो भी गर्ल्स बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि लड़की है मत पढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज सबको इक्वल राइट दीजिए, क्योंकि सबका उस पर समान हक है और सब कुछ सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉय है तो वही करेगा, गर्ल है तो नहीं कर पाएगी, आप एक चांस दीजिए, वो भी आपको दिखा सकती कि क्या करेंगी। हम अगर इक्वालिटी की बात करें, बराबरी की बात करें, इक्वालिटी में लड़का और लड़की में हमको नहीं लगता है कि अब मतभेद की आवश्यकता है या फिर ज्यादा परवरिश की जरूरत है कि नहीं हम लड़कों को ही आगे लेके जाएंगे और लड़कियों को पीछे? ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार के रिजल्ट्स में आप देखिए कि जो भी स्टेट टॉपर है उनमें से ज्यादातर गर्ल्स हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर में भी ज्यादातर गर्ल्स हैं, बॉयज इस बार बहुत कम है, और इस बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि लड़की कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई लेती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में सिर्फ बॉयज है तो उन्हीं को पढ़ाइए, गर्ल्स को भी इक्वल राइट दीजिए जैसा आप बॉयज को देते हैं, और सेम तरह से ट्रीट कीजिए। इक्वालिटी की जो बात होती है, लड़ाई होती है, संघर्ष होता है लड़का और लड़की का, जो बराबरी का हक की बात होता है, उसमें आप विश्वास करते हैं? हाँ, उसमें तो है, क्योंकि सब जगह होता है, यहाँ पे नहीं, सब जगह होता है कि बॉय है तो उसको ज्यादातर ज्यादा राइट मिलेंगे, गर्ल है तो आप घर ही में रह जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप एक चांस दे के दीजिए, वो प्रूव करेगी कि वो क्या कर सकती है। कोमल, आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से आप सफलता की पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है, अपने माता पिता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, कभी भी उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि इतने मार्क्स चाहिए, हमेशा मोटिवेट किया कि जितना भी मार्क्स आएंगे चलो ठीक कोई बात नहीं, कभी ये प्रेशर नहीं था कि 90% आना ही चाहिए, कुछ भी नहीं, हमेशा मोटिवेट करते रहे, कुछ भी ये नहीं कि गर्ल बॉय में कभी भी डिफरेंस नहीं किया, मुझे पढ़ाया है और बहुत आगे तक ले जाने का भी बात बोलते। अभी तक आपने ना अपने पापा का नाम बताया, ना ही आपने अपने मम्मी का नाम बताया? मेरे पापा का नाम मिस्टर राजू गुप्ता और मम्मी का नाम मिसेस सुषमा गुप्ता है। दोनों में अधिक आपको कौन समय देता है, मम्मी या पापा? दोनों इक्वली मोटिवेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, कोई ज्यादा, लेकिन एक कुशल गृहिणी होने के नाते माता के साथ तो आपका ज्यादा ये रहता होगा कि भाई मम्मी तो हर बात में सपोर्ट करती है, पापा भी, मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि मम्मी के साथ ही हमेशा रहते हो। आपने जिला का नाम रोशन किया, इंटर का नाम, पूरे बिहार में आप टॉप 10 में जगह बनाई, यहाँ के लोग किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव है, सबको पूछ रहे हैं, सबको आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, तो सब यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, और
बस यही कहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अधिकारी तबका क्या लोग आया क्या आपको सम्मानित करने या आपके हौसला को अफजाई करने? यहाँ के चेयरमैन कल आए थे और बाकी लोग अभी आ ही रहे हैं। विडम्बना है कि अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। कोई प्रतिभा अगर आगे जाता है तो उसको जिले के जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, और यही जो पॉइंट है वो डिस्करेज करता है एक बेहतर हौसला को उड़ान देने में। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप आगे जा रहे हैं, फिर आपको किस तरह के माँ बाप से अपेक्षा है कि वो यहीं रह के पढ़ाएं या बेहतर कॉलेज का चयन करें या आप फिर कोचिंग संस्थान का की ओर रुख करेंगे? जैसे यहाँ पर है कि आगे की स्टडीज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 12th तक की पढ़ाई नहीं हो पाती है तो फर्दर पढ़ाई तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस पेरेंट्स से यही सपोर्ट चाहिए कि आगे मुझे किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा तो बस सपोर्टिव रहे हर तरीके से। कुछ और बात करेंगे हम कोमल से, उनके पेरेंट्स से हम जान लेते हैं। आपके बगल में जो लोग बैठे हैं उनसे हमको परिचय कराइए। ये मेरी दादी है सर, वो मेरी मम्मी है। दादी जी नमस्ते। आपकी पोती जो है पूरे जिला का नाम रोशन कर दे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पोती मैं आगे बढ़ गई और भगवान करे कि मतलब बढ़ते जाए। ठीक है। बच्चा जब घर में बेहतर करता है तो एक अंदर से मतलब खुशी का खुशी, खुशी खुशी है, खुशिया खुशिया है इसमें कि मेरी पोती रौनक कर दे सब जगह, मतलब नाम भी बढ़ गया कि उनकी पोती ऐसी है वैसी है। आपके पास फोन उन आया किसी का कि कोमल अच्छा कर रही है और कंग्रेचुलेशन? पापा के, इनके पापा के फोन आया था, मेरी बेटी के फोन आया था। ठीक है, अच्छा अच्छा तो लग ही रहा होगा। अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रोशन कर दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है, बहुत बधाई है जी। आपके बगल में कोमल की माता जी बैठी हैं। आपकी बेटी सफलता, जीवन की पहली सफलता आसानी से पार कर गई, आगे के बारे में आप क्या कहेंगे? आगे मैं यही कहना चाहूंगी कि आगे मतलब ऐसी करते रह जाए, सपोर्ट तो हम लोग का है पूरा, आगे निकालने का जो इसका सपना है वो पूरा हो। अभी से अभी जो ये सफलता हासिल की है ये खुशी को आप समेटने की कोशिश कर रही हैं या अंदर से लग रहा है कि नहीं ये छोटा सा चीज है अभी इसको और आगे जाना? जी नहीं, इसी में बहुत खुश हूँ मैं। इतना कर दी बहुत बड़ी बात है, इतना कम नहीं है। और कुछ मतलब यहाँ रहता तो और आगे कर सकती थी, लेकिन यहाँ रह करके इतना मतलब करना बहुत बड़ी बात है। अकबरपुर में छोटे से शहर में या छोटे से जगह पे और एक लड़की बेहतर करने की जो सपना अपने अंदर संजो के रख